फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गो थ्रू फाइन आर्ट में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आप लोग को पेंटिंग के जो जितने भी आर्टिस्ट थे, पेंटर थे, उनके आप लोग को क्रोनोलॉजी से मैं लिस्ट शेयर कर दी थी दो पार्ट में। आज हम स्कल्प्टर्स आप लोग के सामने लेके आए कि कौन कौन से स्कल्प्टर्स हैं। बहुत सारे ऐसे स्कल्प्टर हैं जिनका नाम आप लोग सुने भी नहीं होंगे। तो आइए आज हम स्कल्प्टर्स के ऊपर वीडियो बनाते हैं, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पे सबसे पहले प्राप्त हो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी कर सकते हैं अगर कोई क्वेरीज हो या कोई भी। दोस्तों, इस वीडियो को मैं रिकमेंड करूंगी कि लास्ट तक देखें, क्योंकि इसमें मैं कुछ चार्ट आप लोग को दूंगी, वो चार्ट आप लोग को एज ए होमवर्क मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें और इन्जॉय करें। तो देखिए, सबसे पहले है रामकिंकर बैज। तो रामकिंकर बैज का जन्म हुआ है 1910 में, और इनके काम का नाम है कॉल ऑफ द मील। कॉल ऑफ द मील जो है ये ऑयल में किया गया है। ये पेंटिंग भी किए हैं थोड़ा बहुत, इसलिए यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ऑयल मीडियम दिया गया है। अदरवाइज इनका काम अगर हम देखें तो थ्रेसर है, सुजाता है, गांधी है, इस तरह के इन्होंने काम किए हैं ब्रॉन्ज में और ज़्यादातर सीमेंट में। शंखो चौधरी का जन्म 1916 में हुआ है, और इनके काम का टाइटल है फिगर, जो मीडियम है वुड। यहाँ पे आप लोगों को सीरीज के साथ मैं कुछ कुछ काम थे वो काम भी शेयर कर दी हूँ। धनराज भगत का जन्म 1917 में हुआ है, और उनके काम का नाम है मोनार्क। मोनार्क MONARCH। दोस्तों, आज मैं इसे टाइप नहीं कर पाई हूँ, तो आप लोग प्लीज़ पेन और पेपर जरूर लेके बैठे, नोटबुक जरूर लेके बैठे। अगर नहीं लेके बैठे तो अभी वीडियो को पॉज कर लें और सबसे पहले पेन और पेपर अपने साथ रखें, फिर इस वीडियो को देखें। नेक्स्ट है सोमनाथ हौड़े, जिनका जन्म हुआ है 1921 में, और इनका काम का नाम है, काम का टाइटल है वुमेन, जो कि ब्रॉन्ज मीडियम में है। नेक्स्ट है अमरनाथ सहगल, 1922 में जन्म हुआ है, और इनके काम का नाम है एंग्विस्ट क्राइज। एंग्विस्ट क्राइज जो कि ब्रॉन्ज में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। ये काम बहुत बार पूछा गया है NTA UGC नेट में, KVS में, NVS में, DJT DSSV में, TGT PGT, यानी कि कोई भी फाइन आर्ट के एग्जाम है उसमें अमरनाथ सहगल के इस काम को मेंशन किया गया है। तो जरूर से इस काम को याद कर ले, एंग्विस्ट क्राइज, जो कि ब्रॉन्ज में है। तीसरा है लिदिया मेहरा, जो कि जन्म हुआ है 1923 में, और ये काम का नाम है डांसर। अभी देखिए, अमरनाथ सहगल मैं बता रही हूँ और एंग्विस्ट क्राइज इतने इंपॉर्टेंट है, तो ये मुझे याद हो गया। इसमें जो है तीन फिगर बना हुआ है, जिसमें कि एक मेल फिगर है इस तरह से हाथ ऊपर किए हुए हैं, उसके बाद एक फीमेल फिगर है उसका हाथ भी इसी तरह से ऊपर किया हुआ है, और बहुत ही पतला पतला स्कल्पचर है, और एक बच्चे हैं उनका भी हाथ ऊपर है इस तरह से। तो देखिएगा, समझ जाइएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कैसे काम है, काम जरूर देखिएगा एंग्विस्ट क्राइज। अब फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आप लोग के साथ एक वीडियो शेयर कर एक कमेंट शेयर कर रही हूँ, जो कि शिवम ने कमेंट किए हैं कि मैम जी, KVS के बारे में फुल जानकारी दीजिए, जैसे एग्जाम कैसे होता है, कितना पेपर होते हैं एग्जाम में, और आर्ट वाले स्टूडेंट क्या एबिलिटी होनी चाहिए, क्या कितना कट ऑफ जाता है, ये सारे बताइए, तो वैकेंसी कब आएंगी। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर मैं जल्दी ही आपको वीडियो बना दूंगी। शिवम जी, आप थोड़ा वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो हो सकता है कि मैं KVS के ऊपर ही बना दूँ। पहले मैं तो एक वीडियो NVS के ऊपर बनाने वाली हूँ, क्योंकि NVS के ऊपर बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं, तो एक अच्छी सी वीडियो एकदम सटीक क्वेश्चंस के साथ लाऊंगी, जो आप लोग को अभी जो 2020 में NVS का इंटरव्यू होने वाला है, जिसका एग्जाम अक्टूबर 2019 में हुआ था, उसके लिए एकदम लेटेस्ट वीडियो लेके आऊँगी। और आपको भी मैं बता दूँ कि KVS की भी वैकेंसी नहीं आई है, आने वाली थी, ये COVID-19 के कारण रुक गई है, तो बहुत जल्द आएगी वैकेंसी, डिटेल वीडियो में बना के जल्दी से आपके सामने लाऊंगी। उसके बाद देखिए, एक नेक्स्ट कमेंट और भी आया था कि हमें DSSV के बारे में, देखिए वही शिवम जी कमेंट किए हैं कि DSSV के लिए कौन सा बुक रीड करना है जिससे हमारा DSSV में सिलेक्शन हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बताई थी प्राणनाथ मगोह, मीनाक्षी कास्तलीवाल, रीता प्रताप और एदी टोमड़ी पढ़ने। तो ये कह रहा है कि मीनाक्षी कास्तलीवाल की कौन सी बुक है, क्योंकि नेट में सर्च कर रहे हैं तो काफ़ी सारी बुक आ जा रही हैं। तो मीनाक्षी कास्तलीवाल की जो बुक है वो है स्थापत्य कला का नाम है, ठीक है, चित्रकला एवं स्थापत्य कला, वो वाली बुक लीजिएगा। आइए अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो की ओर चलते हैं, जिसमें हम बात कर रहे थे क्रोनोलॉजी सिक्वेंस ऑफ द स्कल्पचर के बारे में। तो ये रहा आप लोग का स्कल्पचर जो भी हम करवाए थे, अब आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे है धनराज भगत, सोमनाथ होड़े, अमरनाथ सहगल, लिदिया मेहरा, यहाँ तक हो गया था। मीरा मुखर्जी, तो मीरा मुखर्जी का जन्म 1923 में हुआ है, और इनके काम का नाम है वे साइड स्टेशन, जो कि ब्रॉन्ज में है। नेक्स्ट है PV जानकी राम, इनका जन्म 1930 में हुआ था, और इनके काम का नाम है गणेशा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि
ब्रॉन्ज में एल्युमिनियम सीट में ऐसे करके किया गया है, एकदम रियलिस्टिक काम है। ब्रॉन्ज देखिएगा इस तरह से गणेश जैसा होता है, एकदम गणेश वैसे ही बनाए हैं। तो पीवी जानकी राम का ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एनटीए नेट केवीएस एनवीएस डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी जो भी एग्जाम होते हैं उसमें हमेशा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है वेद नायर। वेद नायर का जन्म 1933 में हुआ है और इनके काम का नाम है डिस्पेयर एंड होप, डिस्पेयर एंड होप ऑफ कल्पा वृक्षा। मैं यहाँ पे साफ में लिख देती हूँ, डिस्पेयर एंड होप ऑफ कल्पा वृक्षा, कल्पा वृक्षा। तो यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिए जिसे हैंडराइटिंग पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट है मृणालिनी मुखर्जी। इनका जन्म 1949 में हुआ है और इनके काम का नाम है वंसरी, इनके काम का नाम है वंसरी। नेक्स्ट है रत्नावली कांत और इनके काम का नाम है ग्लोबल अटॉर्नी। और रत्नावली कांत का जन्म हुआ है 1956 में, इनके काम का नाम है ग्लोबल अटॉर्नी। ये काम भी बहुत पूछा गया है एनटीए यूजीसी नेट में, जरूर देख के जाएं। सॉरी नॉट अटॉर्नी, ग्लोबल एगोनी, AGONY, ग्लोबल एगोनी। यहाँ पे देखिए स्कल्प्टर्स और भी हैं, हिरणमय राव चौधरी जिनका जन्म 1884 में हुआ है, देवी प्रसाद राय चौधरी जिनका जन्म 1899 में हुआ है, रामकिंकर बैज का जन्म 1910 में हुआ है, प्रदोष दास गुप्ता का जन्म 1912 में हुआ है, चिंतामणि कर का 1915 में जन्म हुआ है और शंखो चौधरी का 1916 में, धनराज भगत का 1917 में, AM दबीरे वाले का 1922 में हुआ है। इस तरफ ध्यान दीजिएगा, AM दबीरे वाला 1922 में, 1922 में अमरनाथ सहगल, अमरनाथ सहगल का भी सेम डेट में जन्म हुआ है, सेम ईयर में 1922 में अमरनाथ सहगल। उसके बाद है पीवी जानकी राम, जो कि पीछे भी करवा चुकी हूँ पीवी जानकी राम, ये देखिए यहाँ पे करवा चुके थे हम पीवी जानकी राम, सी यहाँ पे पीवी जानकी राम 1930 में इनका जन्म हुआ है। पीवी जानकी राम के बाद है आपका, पीवी जानकी राम से पहले देख लीजिए, ये हम देख लेंगे, लिंदा मेहरा 1923 में, महेंद्र पांड्या 1926 में, देन होगा पीवी जानकी राम अगर क्रोनोलॉजी देखें तो 1930 में। उसके बाद 1931 में आपका जन्म हुआ है शांति दवे का, नोट कीजिएगा थोड़ा सा क्लमजी है नोट्स, शांति दवे का 1931 में, पिराजी सागरा का भी 1931 में, जो मैं लिखा रही हूँ लिखिए ध्यान से, पिराजी सागरा का भी जन्म जो है 1931 में हुआ है, ईयर 1931 में। अब 1933 में आप लोग का जन्म हुआ है वेद नायर का, वेद नायर, द VED वेद नायर का जन्म हुआ है 1933 में, राघव कनेरिया 1933 के बाद हम राघव कनेरिया की ओर चलेंगे। राघव कनेरिया का हुआ है 1936 में, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है राघव, लिख ले कनेरिया, KANERIA 1936 में राघव कनेरिया। 1936 के बाद 1938 में जाएंगे, 1938 को हुआ है जन्म अक्का यादागिरी राव का, साफ साफ मैं लिख दे रही हूँ, यक्का आदा गिरी राव, ये डी है, 1938 में ये अक्का यादागिरी राव का। 1938 के बाद 1939 में बलबीर सिंह कट, 1949 में मृणालिनी मुखर्जी और 1956 में रत्नावली कांत, 1956 में रत्नावली कांत। अब देखिए मैं बोली थी कि आप लोग को होमवर्क दूंगी, तो ये आप लोग का होमवर्क है, देखते हैं कितने लोग मुझे कमेंट करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि कोई इस वीडियो को कमेंट करे या ना करे, शिवानी तनवर जरूर करेंगी, शिवानी तनवर जरूर करेंगी, तो मेरा विश्वास मत खोइएगा, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और एक ही कमेंट में सारा करें, 50-60 कमेंट ना बनाएं, क्योंकि 40-45 स्कल्प्टर हैं, एक ही कमेंट में या ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 कमेंट बनाएं। तो ये जो है आपके स्कल्प्टर के लिस्ट है, इसके डेट ऑफ बर्थ मैं नहीं बता रही हूँ आप लोग को, आप लोग को इनका बर्थ बताना, जैसे मैं अभी बताई थी कि रत्नावली कांत का 1956 में हुआ है जन्म, उसी तरह से आप लोग को बताना कि देवी प्रसाद राय चौधरी का जन्म कब हुआ है, चिंतामणि कर का जन्म कब हुआ है, धनराज भगत का जन्म कब हुआ है, एस पंसाले का जन्म कब हुआ है, वीपी कर्माकर का जन्म कब हुआ है, शंखो चौधरी का जन्म कब हुआ है,
पीआर पुचकन वाला, पीआर पुचकन वाला का जन्म कब हुआ है? ए दबीड़े वाला, नोट करते जाइए, ए दबीड़े वाला, महेंद्र पांड्या, रजनीकांत पंचाल, राघव कनेरिया, कुछ कुछ बता भी चुकी हूँ, नागजी पटेल, रमेश पटेरिया, एम धर्मानी, एन एच कुलकर्णी, सरबड़ी राय चौधरी, पी वी जानकी राम, बलवीर सीकट, ये दोनों मैं करवा चुकी हूँ, अजीत चक्रवर्ती, बाल कृष्णा गुरु, नंद गोपाल, रमेश भिष्ट, शिव सिंह, विमन दास, मुकुल पनवार, मुकुल पनवार, लतिका कट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एन पुष्पमाला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लीला मुखर्जी, मीरा मुखर्जी, देखिए लीला और मीला, मीरा, मृणालिनी मुखर्जी, अमरनाथ सैगल, परदोस दास गुप्ता, ये जितने भी लिस्ट दे रही हूँ इसे ज़रूर करें, क्योंकि इससे ही NTAUC नेट में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है वल्सन कोलेरी, रविंदर रेड्डी, बसंत के शर्मा, वेद नायर, गोगी सरोज पाल, विवान सुंदरम, रत्नावली कांत करवा चुकी हूँ, सेब्भा साची, एनएन रिमजन, शीला गौदा, अर्पना कौर, अर्पना कौर तो पेंटर है बट हो सकता है कुछ काम की होंगी, इसलिए इनका नाम स्कल्पचर्स में मैं रखी हूँ, और पिराजी सागरा भी बता चुकी हूँ, इनका जन्म 1931 में हुआ है। तो ये आप लोग को लिस्ट दी हूँ, अगर इसका आंसर करेंगे उसके बाद मैं प्रिंट मेकर की ओर चलूँगी, प्रिंट मेकर की क्रोनोलॉजी वीडियो आप लोग के सामने लाऊँगी। तो आशा करती हूँ ये वीडियो पसंद आई होंगी, और एक क्वेश्चंस दे रही हूँ इतना के बाद भी एक क्वेश्चंस और दे रही हूँ, उसे आप लोग को क्रोनोलॉजी में सजा के बताना है। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे दे दिया है रत्नावली कांत, पी वी जानकी राम, पिराजी सागरा, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ पिराजी सागरा, और रामकिंकर बैज। अब इनको आप क्रोनोलॉजी में सजा के बताएं कि सही आंसर क्या है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, रत्नावली कांत, पी वी जानकी राम, पिराजी सागरा और रामकिंकर बैज को क्रोनोलॉजी में इनके बर्थ के अनुसार, इनके डेट के अनुसार क्या होगा सही क्रोनोलॉजी, बताएं और कमेंट करें। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ ये वीडियो पसंद आई होंगी, आई नो कि ये थोड़ा सा सही से क्लिक नहीं हुआ है, थोड़ा सा क्लियर नहीं है, इसलिए मैं बार बार नाम ले ली हूँ सबका, ताकि आप लोग रिनाउंड कर पाएँ कि क्या मैं बोली हूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर से हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड हैव ए नाइस डे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट।